सी यू पारुल जी, यू नो इलीगल सीजन वन हमें देखा, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया ना, आप बताइए कि सीजन टू में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो शूट करने का अच्छा ही होता है हमेशा, इट्स वेरी रेयर कि आपका बुरा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज एक तो हमारा काम है ये, हमें सेट पे जाना है, काम करना है. बट ऑफकोर्स सीजन टू आप किसी भी शो का करते हैं, बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उस टीम के साथ काम कर चुके हैं, सो यू गेट टू वर्क विद देम अगैन एंड इट्स ऑलवेज नाइसर ओनली. बट इस टाइम मेरा कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, सीजन वन में थोड़ा कम था मेरा किरदार, इस बार थोड़ा बढ़ गया है और थोड़ी उसके अंदर अब पावर्स भी और हैं और थोड़ी और चीज़ें भी हैं जो शी यूटिलाइजेज मोर एज अ कैरेक्टर, जो मैंने सीजन वन में नहीं की थी. सीजन वन में आई वाज जस्ट द वाइफ. या ऐसा माने कि यहाँ पर खुल के आपको किरदार दिया गया कि आप खुल के जियो जितना जीना है? खुल के तो नहीं पता, पर इतना है कि अभी वो अपना खुद का स्टैंड ले रही है. यू सी हु देविका इज एंड क्यों देविका और अक्षय की लाइफ में या मैरिज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी पहले और किस चीज़ की वजह से उनकी शादी हुई थी या क्या है, वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं. सीजन टू थोड़ा सा और बताइए कि और क्या कुछ पारुल जी को हम किस अंदाज में देखने वाले हैं, जब उनके हस्बैंड इरिटेटिंग हो जाए तो क्या कुछ करना चाहिए एक नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, करना तो बहुत कुछ चाहिए. कर तो बहुत सकती है नारी, नारी शक्ति इज द सुपर थिंग राइट, लेकिन वो जो करती है इसमें शी हैज हर ओन वेज कि इवन इफ दे हैव अ फाइट या फिर वर्क रिलेटेड, बट यू सी देविका पारुल एज देविका एज अ बिजनेस वुमन. आई डोंट थिंक इन मैनी अदर शोज आई हैव बीन सीन एज अ बिजनेस वुमन और समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ अ लॉ फर्म इन अ वे. सो मेरे सीन्स जो हैं ज़्यादा पीयूष जी के साथ हैं और अक्षय के साथ हैं, बिकॉज मैं ऑफिस में हूँ इस बार, ऑफिस लाइफ में आप मुझे देखते हैं. सीजन टू में मेरे किरदार की जिम्मेदारी बढ़ गई है. पहले कैरेक्टर छोटा था, उतना फर्क नहीं पड़ा मुझे, पर शो इतना बड़ा हिट हो गया. अब सीजन टू के अंदर जो है मेरा कैरेक्टर बड़ा है, तो मुझे भी है थोड़ा एंटिसिपेशन है कि एक्साइटमेंट है, एंटिसिपेशन है, हाउ पीपल वुड लाइक इट एंड आर दे एंटिसिपेटेड टू वॉच कि क्या होने वाला है. या अब यहां पर तो कुछ न्यू एंट्री भी हुई है, तनुज है, तनुज की एंट्री भी हुई, तो आप बताइए कि और कितना कुछ डिफरेंट होने वाला है. डिफरेंट तो यही है कि स्टेक्स आर हाई, जैसे आपने देखा कि अब इट्स पहले वो साथ में काम कर रहे थे नेहा एंड पीयूष जी, अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सो ऑलरेडी एक बड़ा वो है. अचिंत कौर नहीं है, उनके साथ मैं ऑलरेडी पहले बहुत काम कर चुकी हूँ एंड देन इसमें कोई सीन साथ में नहीं है, बट शी इज़ प्लेइंग अ सीएम इन दिस. सो अचिंत जी नहीं है, तनुज नहीं है, सो कास्ट इज ह्यूज ऑफ दिस शो. बिल्कुल, शूटिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, जब ऑन सेट पे फर्स्ट डे आप लोग सब गए हैं, मतलब अभी का ही टाइम था जब हमने किया है सेकंड वेव के दौरान, कैन आई से दैट? हाँ, सो ड्यूरिंग द सेकंड वेव व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस, सो ऑफकोर्स हार्डशिप्स तो रहे काफ़ी कि हम कैसे भी करके इस शो को बना दें, क्योंकि पिछले साल से हम कर रहे थे कोशिश की जल्दी बनाया जाए. जब सबकी डेट्स आई साथ में एंड व्हेन वी डिड इट, इट वाज द फास्टेस्ट फिनिशिंग शो फॉर मी, बिकॉज इसके बीच में अभी दो शोज कर रही हूँ, अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं और ये वाला बीच में ख़त्म होकर रिलीज भी हो रहा है, सो इट जस्ट फेल्ट वेरी गुड. सो अश्विनी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, बिकॉज उनको इतना एक्सपीरियंस है, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं ना, उन्हें पता होता था क्या शॉट है, कहाँ है, क्या नहीं है. आई डोंट थिंक हमें कभी भी कोई डीले हुआ इस सेट पर, हम जाते थे, वी वर ऑलवेज द क्रू वॉज बिफोर टाइम, आई नेवर हैड टू वेट ऑन दिस सेट, वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी. टू बैक काम कर रहे हैं आप और भी ढेरों सारे शो कर रहे, तो बताइए कि कितना टाइम मिलता है आपको लाइक घर के लिए? नहीं नहीं, एक्ट्रेस बहुत वक्त होता है एक्ट्रेस के पास, हम वो 20 दिन शूट करते हैं, उसके अलावा हम सिर्फ घर पे ही होते हैं, बट मेरा बिकॉज बिजनेस है तो मैं अपने थोड़े बिजनेस में बिजी रहती हूँ. रियल में ही बिजनेस है, रियल बिजनेस तो रियल में ही है. सो बिकॉज मेरा बिजनेस भी है तो मैं थोड़ा अपने बिजनेस में बिजी होती हूँ, और जब नहीं होता तब शूट कर रही होती हूँ, या डबिंग्स या मीटिंग्स या इंटरव्यूज, सो इट्स एक्साइटिंग लाइफ. सुपर्ब. एंड 25th ऑफ नवंबर, यस, ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए?
ये उनके लिए है जिनको सीजन वन अच्छा लगा, और उनके लिए भी है जिन्होंने सीजन वन नहीं देखा, तो आप सीजन वन और सीजन टू साथ में देख सकते हो वोट सेलेक्ट पे। सो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।